नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतर कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने सिर्फ 400 लाइक का रखा है, तो इस वीडियो को दिल से जरूर लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से MPL ऐप को डाउनलोड करें। दोस्तों, टीम की कप्तानी संभालते ही रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसको देखकर सब हैरान है। यह तो आपको बताएंगे ही आगे, लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम रोहित शर्मा के कप्तानी में न्यूजीलैंड को सीरीज हरा पाएगी? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म करने के बाद अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज की तैयारियों में लग गई है। बता दें कि इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही विराट कोहली ने घोषणा कर दी थी कि यह T20 में बतौर कप्तान उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और अब टीम के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने के बाद विराट कोहली ने T20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब भारतीय टीम की T20 की कप्तानी रोहित शर्मा के कंधों पर आ गई है। दोस्तों, IPL में मैंने MPL पर खेलकर 20 से ज्यादा टीमें बनाई थी, 1,00,000 रुपए कमाए थे। अब मैं इस बार T20 वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले में कम से कम 20 टीमें तो बना ही लूंगा। मैंने अब तक 19 टीमें बना ली है और आप मेरी 20वीं टीम स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, MPL पर जब भी वर्ल्ड कप में भारत के मुकाबले होंगे तब तो आप 2 करोड़ तक जीत सकते हो। दोस्तों, आपको केवल और केवल इसी ऐप में लगभग 1,000 का कैशबैक मिल सकता है। वहीं MPL में मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 35 रुपए है। और हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर इस MPL ऐप पर जीते हुए विजेताओं की तस्वीर भी देख सकते हो, तो देर किस बात की। दोस्तों, जल्दी जाओ और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से MPL ऐप को डाउनलोड करके लाखों कमाओ। दोस्तों, T20 की कप्तानी संभालते ही रोहित शर्मा ने ऐसा शानदार और हैरान करने वाला निर्णय लिया है जिसको सुनकर भारतीय प्रशंसक और क्रिकेट एक्सपर्ट दोनों हैरान हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही भारतीय टीम अपने दूसरे मिशन में लग गई है। भारतीय टीम का दूसरा सबसे बड़ा मिशन न्यूजीलैंड का भारत का दौरा है। न्यूजीलैंड को भारतीय टीम हर हाल में हराना चाहेगी। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम कई बड़े और अहम मुकाबले हारी है, इसका बदला भारतीय टीम जरूर लेना चाहेगी। इतनी बड़ी चुनौती की तैयारी में भारतीय टीम कई बड़े और अहम बदलाव कर रही है। विराट कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी छोड़कर टीम को ऐसे ही खाली छोड़ दिया था, उनकी जगह पर अब रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर सब हैरान हो गए। बता दें कि रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही विराट कोहली को टीम से बाहर कर दिया। ऐसा करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि विराट कोहली काफी लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है, ऐसे में कोई भी 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता है। दोस्तों, कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने शिखर धवन की भी टीम में वापसी करवाई है। उन्होंने कहा है कि शिखर को मैं अच्छे से जानता हूँ, ओपनिंग करते हुए मुझे उनको समझने में काफी आसानी होती है और हमने साथ मिलकर काफी रन बनाए हैं। अगर शिखर जैसे अनुभवी टीम में होंगे तो टीम के लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि IPL में शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी की थी जिसके बाद उनकी टीम में शामिल होने के चांसेस बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा का ये फैसला भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाने में मददगार होगा कि नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से MPL ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। धन्यवाद।